देखो हमारा फिफ्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस मींस एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है चलो जल्दी से हम स्फेरिकल मिरर बना ले रहे हैं। ये आया हमारा राउंडर, इसको ये बन लिया, ये स्केल लो, लार्ज करो, ये ऐसे है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, इसको थोड़ा सा हम लार्ज लेंगे, और ये हो गया हमारा सी। अब ना हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे है एफ पे। ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे रखा हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, देखो एक रे तो हमारी जाएगी पैरेलल ही है ना, जाएगी ना। तो देखो ये पैरेलल गई, ठीक, अगर पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल जाती है तो क्या होता है, ये फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास होगा कैसे, ऐसे, ये फोकस से पास होगा। ठीक है ऐसे फोकस से पास होगा, जब ये फोकस से पास होगा, अब हम सेकंड सेकंड रे कहां से लेंगे, सेकंड रे लेंगे हम लोग यहां से, इसके टॉप से लेंगे, ठीक है टॉप से लेंगे, और इसको सी से पास कराएंगे। टॉप से लेंगे और सी से पास कराएंगे। ये देखो अभी भी मीट नहीं किया ये, ठीक है हम इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तब जाके ये कहीं मीट करेगा। ये हो गया, इसी को ऐसे कर लो, सर ये एक दूसरे के पैरेलल होगे ना, कौन सा, हाँ ये पैरेलल हो जाएगी, ये कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है ये कभी मीट नहीं करेगा। हम इसको ये इसीलिए इसको कहते हैं कि हम इन्फिनिटी पे मीट करा रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये पैरेलल हो जाएंगे, ये कभी नहीं मीट करेंगे, दे विल नेवर मीट। अगर ये मीट भी करेंगी तो कहां, मीट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पे ये मीट करेंगे, जो कि हम देख नहीं सकते है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं पैरेलल है अगर ये रेज, ठीक है अगर पैरेलल है तो ये इंफिनिटी पे मीट करेंगे, तो हमारा इमेज फॉर्म इज क्या हो जाएगा, ये हमारा स्फेरिकल मिरर था, इमेज फॉर्म इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी सेकेंड, सेकेंड क्या साइज क्या होगी इसकी ये बताओ, स्मॉलर नहीं होगी, यही तो मिस्टेक है, इंफिनिटी पे मिल रही है ना, स्मॉलर स्मॉलर, हाँ स्मॉलर, इसकी साइज
इसकी साइज, एक मिनट कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, है ना? इसकी साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ये मिलेगी, है ना? तो इन्फिनिटी पे तो स्मॉलर ही दिखेगा, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये समथिंग पॉइंट साइज हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा फिफ्थ केस था। यस सर। अब हमारा सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस क्या है हमारा? सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट्स। बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, यानी पोल एंड F, ठीक है, पोल एंड F, हमारा पोल, जब ऑब्जेक्ट हमारे पोल पे रहेगा, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, इसको हम कर लेंगे। When the object is between P and F, when the object is between P and F, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर यहां होगी तो क्या होगा? ये ए और ये बी, अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो अगर ये एफ एफ और पी के बीच में होगा, ठीक है, तो यहां से पहली बात तो ये पैरेलल जाएगी, ऐसे ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये पैरेलल होगी ऐसे, अगर ये पैरेलल हुआ, फिर वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस से पास होगी, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो ये फोकस से पास होगा, होगा, समझ में आ रहा है ना? इसको हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं क्योंकि हमें पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, ये फोकस से पास होगा, और ये देखो पीछे जब भी हम जाते हैं इसको, तो ऐसे डॉट 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 दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं। ये देखो, ये फोकस से आया और ये वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक सी से जाएगा, जो ऑब्जेक्ट के टॉप से होके जाएगा, ठीक है। ये ऐसे यहां जब जाएगा, ये यहां पे मीट करेगा, ये आगे नहीं इमेज के पीछे मीट करेंगे, ठीक है। शालिनी, समझ में आ रहा है? शालिनी, यस। आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग एक पीछे बना लेते हैं, यस सर। ठीक
देखो, ये हमेशा स्ट्रेट बनेगा, ठीक है? ये वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल को हम लोग ऐसे डैश डैश दिखाते हैं, ठीक है? ये ध्यान देना, वर्चुअल इमेज को हम लोग डैश डैश दिखाते हैं, ठीक है? वर्चुअल इमेज को हम लोग डैश दिखाते हैं ऐसे ऐसे, और ये इरेक्ट ही बनेगा, ये ए हो गया और ये बी डैश, ये सीधा ही बनेगा, जैसे ये है वैसे ये बने, ठीक है? तो ये इमेज जो है, ये जो रेज हैं, रे ऑफ लाइट हैं, जो ऑब्जेक्ट से निकल जा रही है, इन पीछे बन रहा है, तो इमेज जो फॉर्म होगी हमारी, इमेज फॉर्म इज, जो इमेज फॉर्म होगी हमारी वो क्या होगी? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकेंडली क्या होगा? ये बिहाइंड द मिरर होगा। सेकेंडली हम लोग क्या लिखते हैं? साइज, तो ये बिगर देन द ऑब्जेक्ट, थर्ड क्या होगा? थर्ड हमारा क्या होगा? वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, पीछे साइड में। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने बताया था ना, ये जो लास्ट केस हमने देखा था, जो ये पैरेलल हो गई थी, तो ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये मिस्टेक है थोड़ा, है ना? ये हमने मिस्टेक कर दिया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, वेरी लार्ज। वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो आज हमारा इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया।